हेलो एवरीवन, दिस इज धीर कुमार। वेलकम वंस अगेन टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ खुराफाती बाबा टी के। दोस्तों, हमारे चैनल के क्लीनिंग सेक्शन में आपने देखा होगा हमारी तरफ से बहुत सारे प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं जो क्लीनिंग में काम आते हैं, जिसमें एक सेक्शन, बड़ा सेक्शन जो है वो वैक्यूम क्लीनर्स का है। फ्रेंड्स, हमने 1600 वाट का वैक्यूम क्लीनर आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाया, इसके अलावा 1800 वॉट का। बट फ्रेंड्स, आपके डिमांड पे, आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर, जो कि छोटा ज़रूर है परंतु उसका जो काम है बहुत ज़बरदस्त है। इसे आप कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। जी हाँ दोस्तों, मैंने यूनिवर्सल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर किया 11 ब्रांड का 1000 वॉट की कैपेसिटी के साथ, और इसके अलावा 10 लीटर की 10 कैपेसिटी वाला छोटा सा परंतु ज़बरदस्त वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों, ये एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। अब आप सोच रहे होंगे छोटा भी है, वेट एंड ड्राई कैसे? जी हाँ दोस्तों, यही इसकी खास बात है कि छोटा जरूर है परंतु इसकी जो फंक्शंस है बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक फंक्शन और है जो कि आपको बड़े वैक्यूम क्लीनर्स में मिलता है, वो है ब्लोअर का। ये सारे फंक्शन इनका डेमो में आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस पैकेट में क्या क्या मिलता है। इससे पहले दोस्तों, मैं इसको अनबॉक्स करूं और आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, हर बार की तरह जो पैकिंग है वो बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले मिलता है हमें ये पाइप, और ये 1 2 3 तीन पाइप, और इसके साथ ये मिलता है हमें फ्लोर ब्रश। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिल रहा है। ये माय गॉड, वाओ फ्रेंड्स, हमें मिलता है यहाँ पर ये छोटा सा और बेहतरीन ज़बरदस्त लुक वाला ये वैक्यूम क्लीनर। ये है दोस्तों वैक्यूम क्लीनर आप देख रहे हैं, और इसका साइज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे एक प्रेशर कुकर होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा है और बहुत बेहतरीन है। और आपके बता दूं, इसका जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यही बता दूं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मेरे को देखने में लग रही है इस वक्त, चाहे उसका हैंडल हो या ऑन ऑफ का स्विच हो, या फिर इसका जो कोड हो, या फिर जो इसकी जो बकेट है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों, इसे खोल लेते हैं। ये खोला हमने इसे। सो फ्रेंड्स, ये है इसकी मोटर, और ये कवर्ड है इस लेयर से ताकि जो इसके अंदर डस्ट है मोटर के अंदर वो ना जाए, और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है इसके साथ ही लगी हुई है। इससे पहले जो हमने अनबॉक्स किया था अगारो का वैक्यूम क्लीनर, उसमें हमें एक लेयर लगानी पड़ती थी जो कि आती थी अलग से। चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं। यहाँ पर ये है दोस्तों हमारा डस्टिंग बैग जो इसके अंदर आया है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4, ये 4 दोस्तों इसमें व्हील्स मिलते हैं ताकि हम इसको नीचे से लगा के इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमें मिलता है यहाँ पर ये कारपेट ब्रश, और कुछ और ब्रशेस हैं इसके साथ जो कि जिनके पाइप्स के अटैचमेंट है, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर मिलता है ये यूज़र मैनुअल। फ्रेंड्स, ये है वो बकेट जिसकी कैपेसिटी है 10 लीटर डस्ट की, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से वो डस्ट जो है अंदर जाती है। चलिए इसको मैं असेंबल कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये जो व्हील आप देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये व्हील्स मतलब कि चूड़ीदार नहीं है, कसने वाला नहीं है। इसको आपको यहाँ पर लाना है डायरेक्ट, और इसको ऐसे स्लाइड कर देना है अंदर की तरफ, जैसे आप इसे पुश करेंगे कि अंदर चले जाएंगे, और इसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेंथ है इस सक्शन पाइप की, और इसको देख के कह नहीं सकते कि इतने छोटे वैक्यूम क्लीनर का ये सक्शन पाइप है, और बहुत बेहतरीन लग रहा है। अभी मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हमें सिर्फ लास्ट में इस सक्शन पाइप को लगाना है यहाँ पर, और ये इस तरह से लगता है। और इसके बाद दोस्तों, आप इससे डस्ट वगैरह साफ़ कर सकते हैं, या फिर वेट एंड ड्राई जो इसका फंक्शन है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका ब्लोअर फंक्शन यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर जाना होगा, इस तरफ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर इसे लगाना होगा, और इसको आप ब्लोअर की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है पूरी तरह से असेंबल, और मैं दिखाता हूँ इसकी कैपेसिटी, ये काम कैसे करता है।
तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा एक जबरदस्त डेमो इस माइंड ब्लोइंग वैक्यूम क्लीनर का। दोस्तों एक बार तो मैं भी हैरान रह गया कि इतने छोटे से वैक्यूम क्लीनर का पावर इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी वैक्यूम क्लीनर्स है वो अनबॉक्स किए हैं और उनकी पावर हमने देखी है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूँ कि इसकी सक्शन पावर कितनी ज़्यादा है। इसके लिए मैंने कुछ बीन्स दिए वो यूज़ किए, जो जीरा पाउडर था वो भी मैंने यूज़ किया ताकि आप देख सकें, आपको अच्छी तरह से विजिबल हो सके कि इसको ये जो इसका सक्शन पावर है कितनी बेहतरीन है। फ्रेंड्स बिल्ड क्वालिटी शानदार है और फंक्शन बहुत ज़बरदस्त हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको इसके सारे फंक्शन और इसकी कैपेसिटी आपको बता देता हूँ। 1000 वॉट की मोटर के साथ ये आता है 10 लीटर की डस्ट कैपेसिटी के कैबिनेट के साथ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ इसके साथ जो मिल रही है ये कॉर्ड वो है लगभग 6 मीटर की और जो इसका हॉस पाइप है वो है लगभग 2.6 मीटर का, जो कि बहुत बड़ा है। हॉस पाइप के साथ आने वाले जो अटैचमेंट हैं जैसे कि ये ब्रश, ये है कारपेट ब्रश, इसे आप कारपेट साफ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसे सोफा वगैरह भी साफ कर सकते हैं अच्छी तरह से। साथ ही साथ दोस्तों ये है क्रिवाइस टूल जिससे आप जो डस्ट बहुत कोने में छुपी है आप उसे भी निकाल सकते हैं और हर चीज की क्वालिटी बहुत शानदार है। इस वैक्यूम क्लीनर पे आप तीनों फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वेट एंड ड्राई का, वेट एंड ड्राई के साथ साथ आप इसमें ब्लोअर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और इतने छोटे वैक्यूम क्लीनर में लोअर फंक्शन होना है बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आपने इसकी सक्शन क्वालिटी देख ली और देख लिया कि किस तरह से ये काम करता है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये आपको अमेजोन पे मिल सकता है लगभग 3500 रुपीज़ में, यानी कि 3500 रुपये में आपको मिल सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार बना है, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे यानी कि खुराफाती बाबा डीके को आप करें फॉलो ताकि आप में और मुझ में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो जाए और आपसे मैं डायरेक्ट बात कर सकूं। दोस्तों इसी के साथ मैं खुराफाती बाबा डीके लेता हूं आपसे याद और जल्दी ही मिलेंगे एक नई अनबॉक्सिंग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई खुराफात के साथ। बाय बाय, टेक केयर।